झारखंड में कानून की पोल खोलते चोर बेहद सक्रिय है। झारखंड में आए दिन चोरी और डकैती की वारदातें सामने आ रही हैं। दिन दहाड़े चोरी, रात के अंधेरे में डकैती कानून को कड़ी चुनौती दे रही है। झारखंड के तीन बड़े शहरों में चोरों ने अपनी दस्तक दी और लाखों की चोरी को अंजाम दे डाला। पहली वारदात सामने आई रांची से। दो दुकानों में चोरी से हड़कंप, 20,000 और 1.5 लाख रुपए की चोरी। पुलिस की रात की गश्ती पर उठ रहे हैं सवाल। राजधानी के मेन रोड में दो दुकान में चोरी के बाद दुकानदारों में हड़कंप मच गया। दरसा चुटिया थाना क्षेत्र में चोरों ने ओवरब्रिज स्थित मोंटे कार्लो शोरूम से तकरीबन 20,000 रुपए उड़ा लिए और ठीक उसके पास की दुकान न्यू कूलर एंटरप्राइजेज शोरूम से चोरों ने लगभग 1,50,000 की चोरी को अंजाम दिया। मेन रोड में एक रात में हुई दो दुकानों में चोरी से रांची पुलिस की रात्रि गश्ती पर सवाल खड़ा हो रहा है। वहीं मौके पर पहुंचे सिटी SP अमन कुमार ने चोरी की इस वारदात में CCTV कैमरे में कैद हुई तस्वीर के आधार पर जांच को आगे बढ़ाने की बात कही है। शटर को खींचने का अटेम्प्ट किया गया है। लोगों का कहना है कि थोड़ा बहुत कैश भी था जो कि नहीं गए ड्रॉवर में। जांच कर रहे हैं क्या हुआ है। प्रथम तो लग रहा है कि अटेम्प्ट ही है, कुछ नहीं हुआ होना चाहिए। इंक्वायरी करते हैं किस तरीके से क्या हो सकता है, पॉसिबल होगा तो पता चलेगा। फुटेज है ऊपर तो निकलवा के देखते हैं। दूसरा मामला है जमशेदपुर का, जहां चोरों ने लाखों के मोबाइल और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। मोबाइल की दुकान में चोरी, करीब 10 लाख के मोबाइल और नकदी चोरी। शटर का ताला खोलकर चोरी को दिया अंजाम। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत KM एंटरप्राइजेज की दुकानों में चोरों ने लाखों रुपए के मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया। इस दौरान महंगे मोबाइल के साथ 12,000 रुपए कैश भी चोर ले उड़े। दुकान खोलने आए स्टाफ ने घटना की पूरी जानकारी दुकान मालिक और स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरी घटना की छानबीन की। जांच में सामने आया कि दुकान की शटर का ताला नहीं तोड़ा गया। ऐसे में चोरी कैसे हुई इसकी पड़ताल पुलिस कर रही है। ये भी माना जा रहा है कि किसी जानकार ने ही ताला खोलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया होगा। चालाक चोरों ने CCTV के DVR का कनेक्शन ही काट दिया और चोरी की पूरी घटना को अंजाम दिया। दुकान मालिक के मुताबिक चोरी किए गए सामानों का मूल्य 10 लाख रुपए के करीब है। हमें तो हमारे पास 40-50 लाख का स्टॉक रहता है, लेकिन एक GST के कारण एक हफ्ते से कुछ बिल नहीं हुआ था हमें, तो उसके कारण स्टॉक लेवल बहुत ही कम हो गया था। नहीं तो उससे ज़्यादा नुकसान उम्मीद हो सकती थी। अगर स्टॉक अगर GST नहीं आता तो हम लोग को और ज़्यादा चोरी हो सकता था स्टॉक वाले से। कौन कौन सा ब्रांड है इसमें? सारे वीवो है, ओप्पो है, एप्पल है, सैमसंग है, जूनी है, ये सब ब्रांड के गए। एप्पल के थे, ओप्पो के थे, 25,000-30,000 के सब फ़ोन हैं सर। एप्पल के 50 छोटे वाले फ़ोन SED लेके नहीं गया, 1,000-2,000 फ़ोन लेके नहीं गया, छोड़ के चले गए। हाँ, वो रात का फुटेज उसमें है नहीं, उन्होंने पावर काट दिया उसका। बस नहीं, जब हम जब शॉप खोले हैं तो बस तब देखे हैं, तब तक की चोरी हुआ। रात तक शॉप बंद किए तब तक का, जब तक वो खाया तब तक का है फुटेज हमारे पास। और तीसरी वारदात गिरडी में अंजाम दी गई, जहां डकैतों ने 4 सगे भाइयों के घर डकैती को अंजाम दिया। 4 सगे भाइयों के घर डकैती, 8 से 10 की संख्या में आए हथियारबंद डकैत, परिवार के सभी सदस्यों को बनाया बंधक। गिरडी के बिरनी थाना क्षेत्र इलाके में बीती रात डकैतों ने तांडव मचाते हुए 4 सगे भाइयों के घरों में डकैती की वारदात को अंजाम दे दिया। बिरनी के चिताखारू गांव में डकैतों ने हथियार के बल पर सुखदेव यादव, मेघलाल यादव, रूपन यादव, गणपत यादव को और उनके परिवार के सदस्यों को बंधक बना लिया।
सुखदेव यादव के मुताबिक बीती रात जब सभी सो रहे थे तो उसी वक्त 8 से 10 की संख्या में लोग घर के अंदर घुसे और एक एक कर सभी को उठाकर उनके हाथ पीछे से बांध दिए। उसके बाद सभी को एक जगह बैठा कर एक एक कर चारों भाइयों के घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। लगभग 1 लाख नकद और लाखों रुपए के जेवरात को अपने साथ ले गए। आया और हाथ बांध दिया और बांधने के बाद में बोला अब तुम लोग केमारी खोला। सब औरत लोग केमारी खोलाया, घुस गया। घुसने के बाद में सब निकल गया। 1 घंटे के अंदर उन लोग 10 को था हथियार, 3 आदमी था हथियार पिस्तौल। हमारे उत्तर साइड के दरवाजे से घुसा 8-10 आदमी। हम लोग चारों भाई सुतल थे और एक एक करके उठाते गया और पीछे घुमा के हाथ बांधते गया रस्सी से, और एक जगह सभी जेंट्स को बैठा दिया। उसके बाद एक आदमी को वहाँ से उठाया और सभी के बारी बारी कमरा खुलवाया और खुलवा के एक जगह लेडीज लोगों को बैठाई। उसके बाद सभी के कमरा में बारी बारी घुस के और ढूंढ के पैसा और जेवर जितना था लेते गया। लगभग लाख के लगभग नगद और जेवरात काफी। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल इस घटना में बिरनी पुलिस ने पीड़ितों की तहरीर पर मामला दर्ज करते हुए जांच कर रही है। न्यूज इंडिया के लिए रांची से कमल कुमार, जमशेदपुर से लाला जबी और गिरडी से अभिषेक सहाय की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।